फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाइनिंग वाली कुर्ती में पाइपिंग लगाने की एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जो पाइपिंग है वो भी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। तो पाइपिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स, हमने ये रिवर्सिबल टेप ली है और ये टेप दोनों साइड से पेस्ट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से इसका यूज़ करते हुए मैं आपको पाइपिंग लगाना बताऊँगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट हमारी पाइपिंग लगेगी। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने जो स्लीड्स लिए हैं, अब हम इनके ऊपर रिवर्सिबल टेप को पेस्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए ऐसे से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम रिवर्सिबल टेप लेंगे और जितनी हमें चाहिए इस तरह से हम नापते हुए इसे कट कर लेंगे ऐसे। अब इसे हम इसे लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रखते हुए और ऊपर हम मेन फैब्रिक कर लेंगे ऐसे रखते हुए इसे पेस्ट करेंगे और ये दोनों साइड से पेस्ट हो जाती है। अब हम छोटा सा पीस और लेंगे जो हम नीचे लगाएंगे जहाँ पर ऐसे, ये देखिए, इस तरह से रखते हुए अब इसे हम अच्छे से प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो पेस्ट हो चुका है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी इस रिवर्सिबल टेप को पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए और इसे जहाँ से कट कर लेंगे और ऐसे ही हम छोटा सा पीस इसके नीचे लगाने के लिए कट करेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसे पेस्ट करेंगे और जहाँ से भी हम छोटा सा पीसेस लेते हुए इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग को रखते हुए अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने दूसरे तरह जो हमारे स्लीड्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से ये रिवर्सिबल टेप को अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से जहां से हमारा जो फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से ये पेस्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐसे पाइपिंग रखते हुए पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग अटैच हो रही है। ये देखिए, कहीं से भी जो लाइनिंग है इधर उधर नहीं है, बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग लग रही है। और इसी तरह से हम नीचे तक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पाइपिंग अटैच हो चुकी है और इसे हम रॉन्ग साइड फोल्ड कर देंगे। और जहाँ से देखिए आप, हमारी जो लाइनिंग है कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुई है, बिल्कुल बराबर हमारी पाइपिंग है, लाइनिंग है वो रही है। और इसी तरह से हम नीचे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर तरपाई कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, इस तरह से जो हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम दूसरे स्लीड्स के ऊपर भी सेम इसी तरह से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। और जहाँ से भी हम सेम वैसे ही इस तरह से रखते हुए पाइपिंग को अटैच करेंगे।
और ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग लगेगी। अगर आप बिगनर हैं, सिलाई सीखना आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप इस ट्रिक को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हमारे जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं बहुत ज़्यादा फिसलने वाले होते हैं, उसमें ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। जैसे हम सिल्क के सूट स्टिच करते हैं, क्रेप के सूट स्टिच करते हैं, उसमें कपड़ा खिसकता है। अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाएंगी तो आपका फैब्रिक है कहीं से भी खिसकेगा नहीं और लाइनिंग परफेक्ट रहेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी और पाइपिंग भी पूरी परफेक्ट लगेगी। जी देखिए, अब इसे हम ऐसे रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए, रफ सिलाई लगाते हुए इसके ऊपर तरपाई कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से बहुत ही परफेक्ट हमारी पाइपिंग लगी है और कहीं से भी हमारी लाइनिंग है वो ऊपर नीचे नहीं आई है। जी देखिए, इस तरह से हमने दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही सेम तरीके के साथ पाइपिंग को अटैच किया है और नीचे हम इसे फोल्ड करते हुए नीचे तरपाई कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से और भी काफ़ी सारी स्टिचिंग की ट्रिक शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग लगकर तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर हमने तरपाई कर दी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।